हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज दुगट्टन के साइड जो चरक के लिए रास्ता निकलता है उधर के साइड जा रहा हूँ। वहाँ पर तिवारी मैगी पॉइंट है। तो एक दिन मैं उधर के साइड गया था तो मैंने उनसे कहा था कि मैं यहाँ आऊँगा एक दिन ट्रैकिंग करने। तो टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 10:30 होने वाले है। तो हो सकता है दुगट्टन से पहले पुलिस वाले मिल जाए तो मुझे देख के चलना पड़ेगा क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट नहीं लाया हूँ। देख सकते होंगे मैं चढ़ाई में चलते जा रहा हूँ। दुगट्टन के लिए रास्ता इधर से निकल रहा है और यहाँ पर एकता गांव का पुल भी दिख रहा है लोहे वाला। तो इसमें अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत ज्यादा पथरीला वाला रास्ता मिलेगा। तो ढाबे बहुत है यहाँ पर, फौजी ढाबे के लिए ऊपर का रास्ता निकल रहा है यहाँ पर से। रास्ता भी काफी गीला हो रखा है, मुझे पता नहीं है। एक तो यहाँ पर पंदेर काफी गिरता रहता है, पहाड़ों से पानी आता है तो उस वजह से भी रोड यहाँ पर गीली हुई रहती है। तो है मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इंश्योरेंस का कागज है, इसके अलावा पॉल्यूशन वगैरह सब है। लेकिन अब मैं कैसे लाऊं उसे? मैं बैग वगैरह तो मैं लाता नहीं हूँ अपने साथ, तो फिर वो डॉक्यूमेंट मैं किस में लाऊं अपने साथ? तो इस वजह से मैं डॉक्यूमेंट नहीं लाता हूँ इधर के साइड। पंचर बनाने गया था तो जब पंचर वाले ने कहा था कि भाई इसका ट्यूब चेंज करा लो, मैंने कहा कि इसकी ट्यूब अभी फिलहाल तो रहने दो। तो उसने दोबारा पंचर वहीं पर लगाया था जहाँ पर पहली बार पंचर हुआ था। उसके बाद लगभग 3 महीने होने वाले और अभी तक इसमें पंचर नहीं हुआ है। तो मुझे डर ये लग रहा है क्योंकि इसके आगे वाली ट्यूब अभी कच्ची है तो फिर से यहाँ कहीं पंचर ना हो जाए। तो उमरेला के बाद तो ऐसी स्थिति हो गई। और बाप रे, और ओ भाई, नुकीले पत्थर है यहाँ पर, तो यहाँ पर पंचर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बाइक के। यहाँ पर तो फ़ोन पकड़ के ब्लॉगिंग करना भी आसानी हो रहा है, रोड नाम की चीज़ ही नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है यहाँ पर जब बारिश होती होगी बरसात के मौसम में तो सारा मलबा पहाड़ का नीचे आ जाता होगा, उसी वजह से ऐसी स्थिति हो रही है इधर। वैसे पहाड़ों में रोड बनाना आसान तो है लेकिन उस रोड को मेंटेनेंस करना मुश्किल है। बरसात के मौसम में काफ़ी रोड यहाँ पहाड़ों की बह जाती है। अब यहाँ पर गहरी खाल जब मैं पहुँचने वाला हूँ तो रोड बिल्कुल मस्त हो गई है, अब यहाँ पर से सही लग रहा है। वो देखो नीचे रास्ते दिख रहे होंगे, बहुत नीचे से आ रहे हैं। यहाँ पर पुल तो नहीं दिख रहा है लेकिन बहुत नीचे से, यहाँ पर से उमरेला की स्कूल दिख रही है। तो हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई में पहुँच चुके हैं अभी। पिंक कलर के फ्लावर लग रखे वही है उनका तिवारी मैगी पॉइंट का। खड़ा होगा आपको ऊपर के साइड एक व्यक्ति जा भी रहा है, तो उन्होंने ये देखो ये तो ये यहाँ पर आ गया मैं। देखो काफ़ी बाइक स्कूटी भी लग रखी है यहाँ पर, तो ये स्पॉट तो यहाँ पर देखता हूँ। देखो ये है तिवारी मैगी, तिवारी टूरिस्ट प्लेस, और यहाँ से देखो ऊपर रास्ता जा रहा है, तो इसी रास्ते में जाना है हमने। तो यहाँ से कुछ लोग बोलते हैं कि तिवारी मैगी पॉइंट चरेक में है तो गलत सूचना देते हैं। चरेक तो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी में है, तो ये गहरी खाल में है, याद रखना इसके लिए चरेक मत जाना। तो ये पहुँच गया मैं भी अपनी बाइक यहीं पर लगा देता हूँ और आगे बढ़ते फिर। तो यहाँ पर मैंने अपनी बाइक खड़ी कर दी है, काफ़ी लोग आ रखे आज, 5-6 लोग आ रखे। संडे के दिन यहाँ और ज़्यादा भीड़ रहती है, आज तो फ्राइडे है तो फिर भी आज फ्राइडे में लोग आ रखे इधर। तो यहाँ से तिवारी, ये जो मुझे लग रहा है ये पोस्टर वगैरह इन्होंने अभी लगाया, पहले यही था बस यहाँ तक। तो यहाँ पर सनराइज़ सनसेट वगैरह के लिए लोग देखने आते हैं। इसके अलावा प्री वेडिंग शूट भी यहाँ पर होता है और मैगी पॉइंट भी है, इसके अलावा ट्रैकिंग तो होती है। तो चलो फिर अंदर चलते हैं। तो इस तरीके से ऊपर के साइड जाना है। ट्रैकिंग करने जा रहे हैं। हेलो कर दो। हेलो हेलो। तो ये जो है तिवारी जी यहाँ के, तो ये कराते हैं यहाँ ट्रैकिंग। यहाँ पहले भी आया था ना, आपको याद होगा उस दिन आया था मैं, उस दिन तो श्याम हो गया था। तो आज ट्रैकिंग करके फिर आके मैगी खाता हूँ। ठीक है ठीक। तो चलते दिल्ली में। तो रास्ता नहीं, अच्छा रास्ता तो पता ही लग जाएगा। जो हम लोग टॉप में जाने वहाँ पर रोड है ना, वो अपने पेड़ दिखाई दे रहे ऊपर टॉप में। हाँ वो वाला, हाँ वो वहाँ तक है पूरा ग्राउंड, वो आज इधर तक है। अच्छा
हाँ 3 किलोमीटर लंबा है लगभग ना। ठीक है, इस रास्ते से मैं आ रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको, और वहाँ पर मेरी बाइक खड़ी है, टिपिन टॉप में आपका स्वागत है। यहाँ पर से भी टिपिन टॉप भी है, एक तो लैंस डाउन वाला टिपिन टॉप है, ये गैरी खाला वाला टिपिन टॉप है, देखते यहाँ से क्या दिखता है हमें। तो यहाँ पर दिख रहा है व्यू, उधर के साइड उमरे लगा हुए हैं और उधर ही के साइड से आ रहा हूँ मैं सड़क के रास्ते से। अच्छा लग रहा है, मतलब हवा भी चल रही है। देखो ये तिवारी जी की मेहनत है, वैसे इधर ऐसे फूल होते हैं नहीं नेचुरली, लेकिन तिवारी जी ने अपनी मेहनत से फूल लगा रखे यहाँ पर। फूल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको तोड़ना बिल्कुल मना है। उत्तराखंड में आजकल प्री वेडिंग का काफ़ी फैशन चल रहा है, तो काफ़ी लोग प्री वेडिंग के लिए यहीं पर आते हैं शूटिंग करने के लिए। जिसकी शादी हो रही है वो यहाँ पर बैठ के फोटो खिंचाएगा। तो यहाँ पर से अगर मैं इस पेड़ के सामने बैठ गया हूँ ऐसे करके, तो यहाँ से नज़ारा अगर मैं बताऊँगा आपको, तो नज़ारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमें। ये यहाँ से क्या है, ये होटल दिख रहा है एक। तो अगर मैं नज़ारे की बात करूँ तो नज़ारा काफ़ी पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं अभी, लेकिन लगता है उस पेड़ से हमें शहर के इलाके भी दिखेंगे और गांव वगैरह जो है इधर वो भी दिखेंगे। गर्मियों के टाइम तो यहाँ पर आफत आती होगी चढ़ने में, लेकिन ठंडियों में तो मज़ा आ रहा है। तो मैं ज़रा यहाँ पर बैठता हूँ, आराम करता हूँ, थोड़ा सांस हल्की हल्की फूलने लग गई है, हवा यहाँ पर इतनी प्यारी चल रही है, मज़ा आ रहा है। हवा बिल्कुल 100% यहाँ की शुद्ध हवा है। तो यहाँ से अभी थोड़ा हॉट ट्रैकिंग बची हुई है, ऐसे ऊपर जाके वो एक आखिरी पेड़ बचा है वहाँ पर। चलो 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 फटाफट 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 फटाफट, उधर है पेड़, बस चलो भाई फटाफट। भाई हम गिनना नहीं है, कहीं रास्ता भूल तो नहीं गया मैं, आराम से आराम से। मैं तो वीडियो के लिए कर रहा हूँ, आप ऐसा मत करिएगा। अगर मैं कहीं कैंपिंग करूँगा तो मैं इसी लोकेशन में करूँगा, यहाँ पर इतना बढ़िया टेंट लगाने के लिए जगह भी है, और यहाँ से व्यू तो बिल्कुल गजब लग रहा है। नीचे से रोड दिख रही है, उधर से उमरेला गाँव दिख रहा है, और इधर से पहाड़ दिख रहे हैं, काफ़ी गाँव भी दिख रहे हैं, और हवा तो इतनी गजब चल रही है। अगर आप यहाँ पर कुछ खाते नहीं हो या चाय भी नहीं पीते हो तो 10 रुपये आपकी फीस लगेगी, जो कि यहाँ के लिए तो बिल्कुल पैसा वसूल है। यही जगह अगर लैंस डाउन में होती ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 50 रुपये तो यहाँ घूमने के लिए आपको देने पड़ते। कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर से, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। इधर के साइड भी गाँव दिख रहे हैं, उधर मंदिर है छोटा सा दिख रहा है, आगे पहाड़ी दिख रही है, इधर के साइड भी गाँव दिख रहे हैं। व्यू तो बहुत गजब लग रहा है, हवा चलनी बस थोड़ी कम हो गई अब, तो हवा भी चले तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। जाने के लिए तो अभी मैं ऊपर तक जा सकता हूँ, लेकिन व्यू मुझे ऐसी दिखेगा ऊपर से भी। तिवारी जी ने जो पेड़ कहा था वो पेड़ वहाँ पर रह गया है, तो वही उसका आखिरी स्पॉट है यहाँ पर देखने का। नहीं, हमको बहुत एक 4-5 श्रृंखला दिख रही है पहाड़ियों की, बहुत ज़्यादा पीछे पहाड़, उससे आगे पहाड़, आगे पहाड़, आगे पहाड़, तो बहुत सारा ज़्यादा पहाड़ी श्रृंखला दिख रही है यहाँ से, बहुत ज़्यादा। हवा चलने लगी तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सनराइज और सनसेट कैप्चर करने आते हैं, तो दिख ही रहा है अभी सन तो सीधे मेरे सिर के ऊपर आने वाला है, लेकिन जब सनसेट होता होगा या फिर सनराइज होता होगा तो बहुत अच्छा दिखता होगा यहाँ पर से। वाह। और यहाँ पर जहाँ से जिस रास्ते से मैं आ रहा हूँ उसकी रोड भी दिखने लग गई है, तो मतलब हमें चारों तरफ कुछ ना कुछ दिख ही रहा है इस पोजीशन से। इधर इधर से रोड दिख रही है, इधर से गांव दिख रहे हैं, इधर से पहाड़ियाँ है, इधर से फिर से गांव है, और इधर से भी पहाड़ियाँ है। यह लोकेशन तो बहुत अच्छी है, हवा ने तो बिल्कुल मज़ा आ गया, हवा चल के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा हवा से। तो मैं यहाँ बस ट्रैकिंग करने आया था, हो सकता है आगे कभी मैं गर्मियों के टाइम पर यहाँ पर कैंपिंग भी करूँ, आना चाहिए। देखो फेमस तो है, फेमस करने की क्या ज़रूरत है इसे,
तो काफी लोग आते हैं जिनको पता होगा बाजार साइड या फिर उत्तराखंड में, तो काफी पता लग गया है इस जगह के बारे में। तो इसका ज़्यादा पब्लिसिटी करने की तो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, फिर भी मतलब जो जो एक हाइप बनाई जाती है ना कि इतनी अच्छी जगह है, इतनी जगह अच्छी जगह है, मुझे लग रहा है उतनी अच्छी है जगह। अगर हमें मान लो टिप एंड टॉप आपने लैंसडाउन का देखा होगा तो उसका जाने का जो है 20 रुपये पड़ता है, तो है तो वो भी काफ़ी अच्छी जगह, लेकिन वो टिप एंड टॉप मुझे नहीं लगता 3 किलोमीटर आगे तक आपको ले जाता होगा। वहाँ पर लिखा है कि 100 मीटर आगे तक आपको व्यू दिख जाता है, लेकिन इसमें आप 3 किलोमीटर तक पूरा प्रकृति का मजा उठा सकते हो। तो अब टिप एंड टॉप से तो सस्ता ही है, 10 रुपये देने पड़ेंगे, तो मुझे लग रहा है बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर। और 10 रुपये भी अगर आप यहाँ कुछ नाश्ता वगैरह करोगे तो उसको देने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। तो अब चलता हूँ मैं वहाँ पर तिवारी जी के होटल में और वहाँ पर मैगी खाते हैं। तो यहाँ पर ये तिवारी मैगी पॉइंट में मैंने एग्ज़िट कर दिया है, तो यहाँ पर मैगी खा के 50 रुपये की मैगी थी। तो अगर आप मैगी खाओगे तो आपको 10 रुपये देने की अलग से ज़रूरत नहीं है जो वहाँ ऊपर चढ़ाई के हैं। तो यहाँ पर अब भीड़ भी काफ़ी हो गई, पहले से ज़्यादा हो गई, वो तो संडे के दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती इधर। तो आप इस सब कोटद्वार की तरफ चलते हैं। अब आगे मैं न्यूट्रल तक यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर होगा, डुगड्डा से पहले जो इता गाँव पड़ता है उधर के साइड, तो उतना लगभग 9 किलोमीटर तक मैं न्यूट्रल में चल सकता हूँ।